उस रूप में लोक संस्कृति के अनेकाने घटकों को लेकर के यदि संदर्भ नहीं हुए तो आप मान करके चलें कि 15-20 वर्ष बाद भारत की पहचान विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत की सच्ची पहचान लोक और जनजातीय संस्कृति से है, लोक और जनजातीय गीत नाट्य गाथा कथा आदि से है। अतः यह आयोजन एक तरह से केवल लोक संस्कृति का आयोजन नहीं है, वरन यह आयोजन संपूर्ण भारतीय संस्कृति और परंपरा का आयोजन है। और इस रूप में इसकी महिमा को दूर दूर के लोग यह इंतजार करते हैं। और मैंने श्रीराम दवे जी, डॉक्टर हरीश कुमार सिंह जी, जयेश हीरा जी से कहा कि यह जो सम्मान प्रसंग है ये मालवी निमाड़ी और लोक कलाओं के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से कम होता है, क्योंकि इसके अंदर नामावली और पूरी चित्रावली है। ये सारे वे लोग हैं जैसे विश्व फलक पर हम लोग नोबल पुरस्कार से ये मानते हैं कि ये कोई प्रतिमानी संस्था है, कोई प्रतिमानी पुरस्कार है, उसी प्रकार का ये भारत का सम्मान है। और आज जिन दोनों विभूतियों को हम लोगों ने अभी यहाँ पर सम्मानित किया, ऐसे हमारे परम प्रिय श्री वेद हिमांशु जी, तो जितना कहूँ की गांगुली आपके बारे में जितना कहूँ कम होगा, कि दोनों ही जो व्यक्तित्व है सही अर्थों में वर्तमान युग में लोक परंपरा का समर्थ सम्मान कर रहे हैं। आप सभी के बड़ों बड़ों प्रणाम करूँ। ने फिर ऑस्ट्रेलिया से आई है अभी लौटी है थोड़ी देर के लिए, खड़ा हो जाओ, आपको कर्तव्य जमीन से सम्मान कर रहा हूँ। आपने जिस तरह से माता की तस्वीर के अंतरराष्ट्रीय फलक पे जिस तरह से स्थापित कर रहे हो, मैं आपको जो अवदान है वो बहुत गहरो अवदान है। अभी मैं देख रही हूँ तो कि आपने ग्रीक मिस्र और तमाम क्षेत्र की जो पारंपरिक वाद्य है, अभी कुनेट के साथ आपने बंदिश नहीं थी, कई अद्भुत काम करे हो आपने। आप देखो कि हथबंदी जो है उनके तोड़वा की आवश्यकता है, और मालवी जो है वो घर आंगन से नहीं ने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तक भी पहुंचे, ने ऑस्ट्रेलिया तक तो आपने पहुंचे दिया है। तो यो काम है जो इरा सिंह कोलिया जी को करियो थो उनके आप आगे बढ़ लिया हो। सरिता में आपके मैं अभिनंदन करूं। इस प्रकार का काम की आवश्यकता है। हमारे बीच सभी सुधीजन बैठे हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे चिंता को विषय योज है कि आने वाले समय में यदि हम लोग 15-20 वर्ष का अंतर अगर हम अपनी लोक परंपरा से सातत्य के साथ यदि जुड़िया नहीं रहेगा, तो आप मानेंगे चलो कि केवल और केवल मालवी को ही जो है नाश काल नहीं आएगा, वरन संपूर्ण देश की जो अलग अलग लोक भाषा है, लोक संस्कृति और परंपरा का जो रूप है, उन सबके सामने बहुत बड़ो संकट आने वाला है। वो इसलिए कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि विश्व फलक पर यूनेस्को ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि बहुत सारी हमारी जो बोलियां हैं वो विलुप्ति के कगार पर हैं। अंडमान निकोबार में एक समुदाय ऐसा जिसको बोलने वाले जिस बोली को बोलने वाले लोग केवल 40 बचे हुए हैं, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उनकी जो जड़ें हैं, जो अंडमान निकोबार की जो भाषाएं और बोलियां उसकी जड़ें कहाँ है, उसकी जड़ें जो है वो फिलीपींस से लेकर के और हमारा जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो समूह है वहां से उसकी जड़ें जुड़ी है। तात्पर्य है कि अनादिकाल में जब कभी ये संपूर्ण जो भूभाग है वह एक और अखंडित रूप में था, और जिस तरह से काल के प्रवाह में ये खंड खंड में विभक्त होता हुआ और आज अलग अलग महाद्वीपों के रूप में ये पूरे ग्लोब पर फैल गया है, किसी समय ये परस्पर संबद्ध थे। इनकी संस्कृतियाँ, इनमें होने वाले तमाम प्रकार के वनस्पतिक और अन्य प्रकार के जो उत्पाद थे वो समान थे, लेकिन अब इनका जो है क्रम विश्रृंखलित हुआ। बहुत सारे लोग गमनागमन की स्थितियों के बीच में अपनी अपनी लोक संस्कृति की धरोहर को कई अन्य स्थान पर रोपित करते थे, तो एक सातत्य बना हुआ था। लेकिन संकट ये हो गया है कि औपनिवेशिक काल में और उससे जुड़ी हुई तमाम प्रकार की स्थितियों के कारण हम अपनी बोली पानी से दूर होते चले जा रहे हैं, हम अपने सांस्कृतिक उपादानों से दूर होते चले जा रहे हैं, और जिसके कारण ये बहुत गहरा संकट हमारे बीच में आया है। मैं यहाँ पर एक संकेत सूत्र में, चूंकि आज विश्व धरोहर दिवस है, मैं संकेत देना चाहूंगा यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में, जिसे हम मान लेते हैं रानी की बाग,
जो कि पाटन में अवस्थित है, उस पाटन की जो रानी बाग है उसको हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे वांग्मय के जो लोग हैं या वास्तुविद हैं, उन्होंने जितना उसको महिमाशाली बताया है उससे अधिक महिमाशाली लोक ने बताया है। और लोक ने अगर किसी को संरक्षित कर दिया तो उसके बाद में वो वस्तु या वह उत्पाद कभी भी विनष्ट नहीं होता। उदयमती की कहानी है रागिनी की बात। आप देखिए कि उदयमती ने जब ये देखा कि पाटन आसपास का इलाका गहरे अकाल से जूझ रहा है, दुर्भिक्ष आया हुआ है, लोग जो है उनकी स्थिति हो गई है कि स्त्रियां जो है सुबह उठते ही परेशान होती है कि पानी कहां से आएगा, जल कहां से प्राप्त होगा, बच्चे जो है वो अनाज के कुछ दानों के लिए माँ के आसपास घूमते हैं, पुरुष जो है पता नहीं कौन कब किस दिशा में निकल पड़ता है, बहुत ही अराजकता की स्थिति है। लेकिन जो रानी का महल है उसके अंदर एक कुई जो है वो काम कर रही थी, कुई में जल था। आप देखिए कि स्त्री स्त्री की पीड़ा को समझती है, स्त्री समझती है। अभी हम लोग यहाँ पर एक बहुत सुंदर नृत्य देख रहे थे जो कि प्रतिभा रघुवंशी के द्वारा निर्देशित है और उसमें घट जो है वो लेकर के स्त्रियां नृत्य कर रही है। उदयमती के मन में भाव आता है कि मैं ये जो हाहाकार मचा हुआ है गाँव देहात के अंदर, कैसे भी करके इसको मैं अंकुश लगाऊं। वो अपना एक छकड़ा लेती है, उसके ऊपर कुछ जो है पात्र रखती है, खुद उस पर बैठती है और गांव गांव जाकर के स्त्रियों से पूछती है कि तुम्हारा कोई पानी खुटी भी हो तो आप ले लो हमारे सही में। वो स्त्री जो है उनके घटों को भरती है, रीते घटों के अंदर जब पानी उतरता है तो घर आंगन जो है वो एक नए प्रकार की तृप्ति का अनुभव करता है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चल सकता था, क्योंकि कुई की भी अपनी सीमा थी। वह जो उदयमती है उसके द्वारा स्थान स्थान पर जो जल वितरण किया जा रहा था शताब्दियों पहले, उसके साथ ये स्थिति होती है कि अंततः मेघों को सुनना पड़ता है, बादल जो है वो फूट पड़ते हैं और वह स्थान जो है वह दुर्भिक्ष से मुक्त हो जाता है। लेकिन उदयमती वहीं नहीं रुकती है। उदयमती जब गांव से अपना छपरा लेकर के गुजरती है, स्त्रियों के कंठों से लोग गीत गुनने लगते हैं। आज यूनेस्को ने भले उसको विश्व धरोहर रूप में स्थापित किया है, लेकिन लोक में जो प्रतिष्ठा है वो लोक गीतों के माध्यम से, लोक गाथाओं के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से। उदयमती एक विशेष योजना बनाती है, स्थान स्थान के वास्तुविदों को बुलाती है, स्थान स्थान के शिल्पियों को बुलाती है। उस जमाने में जल कहाँ से किस रूप में प्राप्त होगा उसके पारंपरिक तरीके थे, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और वो स्थान खोजा जाता है जहाँ से पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने की संभावना है। आप देखिए उस जमाने में तमाम शिल्पी, मालवा से भी लोग गए, मेवाड़ से लोग गए, सौराष्ट्र से लोग आए, उत्तर भारत में चले जाए तो इधर राजस्थान भुल्लाड़ी का जो इलाका है वहाँ से लोग गए, स्थान स्थान के लोग गए और परिकल्पना की गई कि एक बहुत ही सुंदर बावड़ी का निर्माण हम लोग करेंगे। और ये बावड़ी की विशेषता यह है कि जैसे मंदिर जो है वो भूमि से ऊपर की तरफ उठता है, ठीक उल्टा मंदिर जो है वो बावड़ी के रूप में घटित किया जाता है। उसके जो स्टेप्स हैं, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, उतनी सुंदर अलंकृत है, इतने सुंदर शिल्पन उसमें किया गया है कि वो विश्व विरासत के रूप में ही न केवल स्थान प्राप्त है वरन वो जल संरक्षण का एक शाश्वत संदेश देने का काम करती है। बावड़ी जो निर्मित होती है फिर तो पाटन और आसपास का इलाका जो है वो दुर्भिक्ष से मुक्त हो जाता है, जल संचयन होता है और जल संचयन के कारण पास के जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी निरंतर जो है जल की आवक होती चली जाती है। और यह पूरा का पूरा आख्यान जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये लोक अनुश्रुति में व्याप्त है, यानी जहाँ शास्त्रकार चुप हो जाता है, जहाँ हिस्टोरियन जो है वो अपना दस्तावेजीकरण बंद कर देते हैं, तब लोक खड़ा होता है और लोक के माध्यम से वह कंठानुकंठ आज तक चला आता है। आज भी उस रानी को याद करते हैं शताब्दियों पहले कि रानी आएगी और जल घट भर करके लेकर के आएगी, हमारे अंदर जो दुर्भिक्ष की जो छाया है उससे हमें मुक्त करेगी। यह विश्व की धरोहर है, ये लोक की धरोहर है और लोक मनीषा ने
अपने संपूर्ण प्रभाव ऐसी तमाम प्रकार की संवेदनाओं को न केवल आज भी जीवित रखा है। आज भी स्त्री जो है पीड़ा व्यक्त करती है कि हे प्रिय तुमने राई को क्यों बोया, तुमने जीरे को क्यों बोया है, सबसे कठिन खेती होती है राई की, जीरे की खेती बड़ी संकट की स्थिति होती है। आप देखिए कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आज भी इस बात की शिकायत करती है, कुछ ऐसा कुछ करो कि हमारा जीवन सुगम हो, यानी आनंद के साथ उस खेती में भी वह अपना योगदान देती है। सही अर्थों में भारत की संस्कृति योग संस्कृति है, भारत की संस्कृति जनजातीय संस्कृति है, और इनके बीच में जो सहज रिश्ता है इसको इसी प्रकार अटूट बनाने बनाए रखने की चेष्टा आपको करनी होगी। ये मालवा और निमाड़ का ही प्रतिष्ठा प्रसंग नहीं है, ये संपूर्ण भारतीय लोग जनजातीय संस्कृति का प्रतिष्ठा प्रसंग है। और इस रूप में मैं इस आयोजन को, मैंने अभी कहा कि यह नोबेल पुरस्कार से कम नहीं है, उसी प्रकार यह आयोजन भारत की पहचान को करने वाला आयोजन है, यह इसी प्रकार अबाध रूप में चलता चले और लोक में व्याप्त जो तमाम प्रकार की संवेदनाओं का संसार है उसको लोक साहित्य ही सही ढंग से अंगीकृत करता है। और आप सोचिए कि लोक का प्रवाह तो सहस्त्राब्दियों से है, लोके वेदे च, वेद के समानांतर यदि महत्व मिला है तो लोक परंपरा को महत्व मिला है। मैं यह याद दिलाना चाहूँगा कि जो फ्रांस की राज्य क्रांति है वो नहीं होती तो नए रूप में लोक शास्त्र का विकास नहीं। आप देखिए उन लोगों ने कितना अद्भुत कार्य किया, उन फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरी लोग थे उन्होंने कितना बड़ा काम किया। उन्होंने कहा कि अब केवल और केवल राजा और अभिजाति वर्ग की कथाओं को ही हम नहीं सुनेंगे, हम आम व्यक्ति का इतिहास भी रचेंगे। और आज आप देखिए कि संपूर्ण विश्व में यदि लोकवार्ता विज्ञान का विकास हुआ है तो उसमें उस राज्य क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। उसके सातत्य में भारत में अनेकानेक लोक संस्कृतिविद आए, चलता चला यह क्रम। हम राहुल सांकृत्याय को कैसे भूल सकते हैं, हम डॉक्टर सत्येंद्र को कैसे भूल सकते हैं, इस माटी के रत्न श्याम परमार को कैसे भूल सकते हैं, हम चिंतामणि उपाध्याय को कैसे भूल सकते हैं, और वहां से लेकर के देवेंद्र सत्यार्थी को हम कैसे भूल सकते हैं। हजारों गीत हजारों कथाएं जो गले में विराजित थी उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। तो तात्पर्य है कि यदि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहता है तो लोक की प्रतिष्ठा आवश्यक है। आप सभी ने सुना, धन्यवाद।